अगेन इन दिस वीडियो लेक्चर क्लास और आज का हमारा टॉपिक है ब्लड और इससे मैं फिजियोलॉजी का पहला टॉपिक आपका स्टार्ट करने जा रही हूँ। ब्लड क्या होता है? ब्लड इज द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। तो ये प्रोवाइड करता है वन ऑफ द मोस्ट कम्युनिकेशन बिटवीन द डिफरेंट पार्ट ऑफ द सेल। सेल के ये ब्लड ऐसा सिस्टम है हमारा सर्कुलेशन का जो क्या करता है, सेल टू सेल रीच करता है। और ह्यूमन के लिए हमारा ब्लड का ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ब्लड हमारा, इसके इंट्रोडक्शन के बारे में जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ब्लड हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है। फ्लूइड मींस होता है कि कुछ आपका मैट्रिक्स है और उसमें कुछ सेल्स है। जैसे हमारा क्या है, कुछ मैट्रिक्स और उसमें हमारे सेल, ये सेल क्या हो सकते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स। तो ये हमारा क्या है, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और साथ ही साथ ये क्या करता है, हेल्प इन ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गैसेस। क्या करेगा ये, बहुत सारे जो हमारे गैस जैसे ऑक्सीजन को क्या करेगा, ये कैरी करेगा कहाँ, फ्रॉम लंग्स टू सेल और सेलुलर टिश्यू कराएगा। और साथ ही साथ ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड को टिश्यू से कहाँ तक लाएगा, लंग्स। तो ये कैरी करता है ऑक्सीजन। उसी तरह बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारा जो डाइजेशन के बाद जो हमारा न्यूट्रिएंट्स हुआ, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन है, लिपिड्स है, इनके जो मोनो हमारे जो ब्रेक डाउन होते हैं डाइजेशन के बाद, तो उनको भी ये कैरी करता है। साथ ही साथ क्या करता है, वेस्टेज को आपका फ्रॉम टिश्यू टू कहाँ लाएगा, उसके टारगेट जहाँ पे उसको एक्सक्रीशन करना है। और ऑल्सो कंटेन ए हार्मोन्स, बहुत सारे हार्मोन्स उसके इंडोक्राइन ग्लैंड के जो सोर्स है उससे वहाँ से क्या करेगा, उस हार्मोन्स को कैरी करके वहाँ उसके टारगेट ऑर्गेन तक ले जाएगा। साथ ही साथ ये क्या करता है, ये मेंटेन करता है पीएच, हमारा क्या करता है बॉडी के टेम्परेचर और क्या करता है पीएच मेंटेन करता है, ऑस्मेटिक बैलेंस को मेंटेन करता है। तो इस तरह हमारा क्या है, ब्लड हेल्प करता है हमारा मेंटेनिंग पीएच और साथ ही साथ रेगुलेशन ऑफ ब्लड। हमारा ब्लड क्या करेगा, रेगुलेट करेगा बॉडी टेम्परेचर। और मोस्ट क्या है, इट इज प्रोवाइड वन ऑफ द मोस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्या करता है, सेल और डिफरेंट पार्ट ऑफ बॉडीज के बीच में क्या है, ये एक कम्युनिकेशन का एक जरिया है। इसके साथ साथ इन एडिशन ये क्या करेगा, डिफेंस अगेंस्ट हमारा क्या होता है, जो भी हमारा पैथोजेन है या टॉक्सिन है उसके अगेंस्ट क्या करेगा, ये डिफेंसिव मैकेनिज्म की तरह काम करेगा। और क्या करेगा, एंटीबॉडी का सिक्रीशन करेगा जो उसके प्लाज्मा में होता है। तो इस और हमारा क्या करता है, ये साथ ही साथ ब्लड क्या करता है, आपका ब्लड लॉस में भी मदद करता है बाय द प्रोसेस ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। ब्लड क्लॉटिंग की वजह से क्या होता है, हमारा ब्लड लॉस जो होता है वो क्या होगा, कंट्रोल होता है। ह्यूमन अबाउट 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट, क्या होता है, 8% हमारे बॉडी वेट का टोटल परसेंट जो होता है, जो एवरेज 70 kg कोई भी ह्यूमन है उसमें ब्लड का हमारा कंटेंट कितना होता है, 5.6 liter, अबाउट 5.6 liter ऑफ ब्लड प्रेजेंट, यानी ये होता है हमारा लगभग 8% ऑफ टोटल बॉडी वेट। तो इस तरह हमारा ब्लड का कंपोजिशन के बारे में जब भी पढ़ेंगे तो ब्लड हमारा क्या है, ब्लड कंटेन करता है प्लाज्मा एंड इट्स प्लाज्मा और इसके सेल्स, मींस जो भी इसमें सेल्स है हमारा, तो हमारा क्या है प्लाज्मा एंड इट्स सेल्स। ये सेल्स क्या हो सकते हैं, फॉर्म एलिमेंटेड सेल्स, जो हमारे जो भी इसमें सस्पेंड है, मान लीजिए ये हमारा ब्लड है, ठीक है, तो ये हमारा क्या है मैट्रिक्स पार्ट क्या है आपका प्लाज्मा, और इसमें जो हमारा सस्पेंडेड जो भी स्ट्रक्चर है, जो फॉर्म स्ट्रक्चर है, ये WBC RBC यानी ब्लड सेल या ब्लड कॉर्पसल्स का हो सकता है, ठीक है। तो ये हमारा आपका जब भी कंपोजिशन हम स्टार्ट करेंगे तो क्या है प्लाज्मा। तो प्लाज्मा हमारा क्या होता है, अबाउट 55% होता है हमारा, क्या है ये अबाउट 55%, और ब्लड सेल अबाउट क्या होता है 45%। तो जब हम इसमें देखेंगे, जब हम सेंट्रीफ्यूज करेंगे, अगर हम एक टेस्ट ट्यूब में लेके इसको क्या करेंगे, सेंट्रीफ्यूज मशीन में जब ब्लड को हम लेके इसको सेंट्रीफ्यूज करेंगे तो हमें 3 distinct reasons मिलेगा हमारा ब्लड टेस्टिंग जब भी करेंगे, तो 3 distinct reasons मिलेगा। तो ये रीजन हमारा क्या होता है, सबसे ऊपर जो आपका लो डेंस वाला पार्ट हो जाता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का होता है, जो अबाउट 55% होता है टोटल ब्लड का। और उसके बाद आपका नीचे की तरफ क्या होता है, अबाउट 45% ऑफ इरिथ्रोसाइट, किसका, टोटल ब्लड का, ये मैंने बनाया है, देखिए ये क्या है अबाउट
45% इरिथ्रोसाइट, और इन दोनों के बीच में हमारा एक जोन है जिसको कहेंगे बफी कोड। ये क्या होता है, लेस देन 1% ऑफ द टोटल ब्लड। ये 1% टोटल ब्लड का होता है, ठीक है, यानी प्लाज्मा हमारा 55% है टोटल ब्लड का, एरिथ्रोसाइट 45% अबाउट। और ये क्या है हमारा बफी कोड, ये कोड क्या होता है, ये हमारा इसी में हमारा क्या होता है WBC एंड प्लेटलेट्स ब्लड, प्लेटलेट्स का ये जोन है। तो हमारा सबसे लो डेंस जो आपका है वो प्लाज्मा होता है, वो ऊपर की तरफ सस्पेंड हो जाएगा और बीच में बफी कोट हो जाएगा, और सबसे नीचे जो हमारा डेंस आपका रीजन हो जाता है वो रीजन हमारा क्या है एरिथ्रोसाइट का। तो ये हम इसको क्या कर सकते हैं सेंट्रीफ्यूज मशीन में करके हम इसको ये 3 जोन्स इसके देख सकते हैं। तो इस तरह हम क्या करें, हमारा प्लाज्मा, हमारा कंपोजिशन क्या हो गया प्लाज्मा एंड इट्स क्या है आपका ब्लड सेल्स या कार्पोसल्स अदरवाइज फॉर्म एलिमेंट। तो प्लाज्मा हमारा क्या है ब्लड का जो मैट्रिक्स पार्ट है, और ये पार्ट क्या होता है नॉन लिविंग पार्ट है, ये हमारा क्या है मैट्रिक्स पार्ट है और नॉन लिविंग पार्ट है, और इसी में हमारा क्या होता है आपके ब्लड सेल्स आपके सस्पेंडेड रहेंगे प्रेजेंट रहेंगे। और ब्लड सेल हमारा क्या है ये लिविंग पार्ट है हमारा, और ये सेल हमारे सस्पेंड किस में रहते हैं प्लाज्मा में। और इस तरह हमारा ब्लड सेल के 3 मेन कंपोनेंट्स है। तो ब्लड सेल्स और फॉर्म एनिमल्स में हमारे 3 कंपोनेंट्स होते हैं, वो हमारे क्या हैं एरिथ्रोसाइट ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स। एरिथ्रोसाइट इज आल्सो कॉल्ड RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स, WBC वाइट ब्लड कॉर्पसल्स आल्सो कॉल्ड ल्यूकोसाइट्स एंड ब्लड प्लेटलेट्स कॉल्ड थ्रोम्बोसिस्ट हेल्प इन ब्लड क्लॉटिंग। तो हमारा रेड ब्लड सेल्स क्या करता है, रेड ब्लड सेल्स या रेड ब्लड कॉर्पसल्स हमारा मदद करता है किसमें आपका ऑक्सीजन को कैरी करता है, ठीक है। ल्यूकोसाइट्स क्या करता है, ये हमारे जो है आपके जो भी पैथोजन है फॉरेन मटेरियल है फॉरेन पार्टिकल्स उसको क्या करता है फैगोसाइटिक एंगल, बहुत सारे इसके फंक्शन है, जब ल्यूकोसाइट पढ़ाएंगे तो ल्यूकोसाइट के बारे में बताएंगे। और प्लेटलेट्स हमारा ब्लड क्लॉटिंग में मदद करते हैं। तो ये हमारे ब्लड सेल्स के आपके 3 डिस्टिंक्ट कंपोनेंट है। और प्लाज्मा में हमारा मेनली क्या होता है, प्लाज्मा भी मैं अलग से टॉपिक पढ़ाऊंगी लेकिन अभी हम जान जाते हैं प्लाज्मा में हमारा क्या होता है 90-90% ऑफ वाटर होता है, सबसे ज़्यादा वाटर होता है, और ये ऑस्मोटिक बैलेंस में मदद करता है, अभी आपने ऊपर पढ़ा ही ब्लड में। फिर प्लाज्मा में हमारा क्या होता है बहुत तरह के प्रोटीन्स होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होते हैं, उन प्लाज्मा प्रोटीन्स में एल्बुमिन ग्लोबुलिन आपके बहुत इंपॉर्टेंट और फिब्रिनोजेन ये सब प्रोटीन्स हैं। मिनरल साल्ट बहुत सारे हमारे न्यूट्रिएंट्स और मिनरल साल्ट्स होते हैं, वेस्टेज होते हैं यूरिया है जो भी है, हार्मोन्स है इंजाइम्स है और गैसेस CO2 O2 मींस लेस अमाउंट ऑफ O2 एंड ज़्यादा क्या होगा हमारा CO2 जो होता है वो कहाँ होता है ब्लड प्लाज्मा में। और एंटीबॉडीज हमारे जो होते हैं मोस्टली कहाँ है हमारे एंटीबॉडी जो होते हैं वो ब्लड प्लाज्मा में होते हैं, और ये क्या करते हैं हमको किसी भी डिजीज से बचाते हैं। तो ये हमारा क्या हो गया आपका प्लाज्मा। तो आज हम स्टार्ट करते हैं ब्लड कंपोजिशन का, ब्लड सेल का हमारा फर्स्ट क्या RBC रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बारे में। तो रेड ब्लड कॉर्पसल्स हमारा क्या है, अगर हम इसको अच्छे से देखें तो ये हमारा रेड ब्लड कॉर्पसल्स का ये फिगर है। तो ये हमारा क्या होता है रेड ब्लड कॉर्पसल्स का अगर हम शेप के बारे में जानेंगे तो ये क्या होता है हमारा सर्कुलर होता है एंड क्या होता है बाइकॉनकेव होता है, ठीक है। और क्या होता है आपका इन्यूक्लिएटेड, तो इन्यूक्लिएटेड मींस जिसमें न्यूक्लियस, मतलब मैमल्स के जब हम रेड ब्लड सेल्स को देखेंगे तो क्या देखेंगे कि हमारे पास यहाँ देखिए न्यूक्लियस नहीं है, इसलिए हम लोग क्या कहें इसको इन्यूक्लिएटेड, यानी सर्कुलर है बाइकॉनकेव है। बाइकॉन जब हम साइड ईस्ट से इसको देखते हैं तो ये हमें कैसा दिखेगा बाइकॉनकेव दिखेगा। तो यहाँ पे हमारा क्या होता है इनर का जो हमारा लेयर है वो क्या होता है उसके सर्कम जो बाहर के जो लेयर है उससे ज़्यादा थिन होता है। तो ये हमारा क्या होता है ये प्रोवाइड करता है इसको एक स्ट्रक्चर डंबल से स्ट्रक्चर या बाई कॉन्केविटी, ठीक है। तो ये इसको हम क्या कहेंगे डंबल से डिस्क की तरह ये हमें दिखता है। ड्यू टू हमारा क्या है आपका न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट नहीं है, न्यूक्लियस प्रीवियस में हमारा क्या होता है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हमारा ये डेवलपमेंट में होता है ये तो क्या होता है न्यूक्लियस को लॉस्ट कर देता है, तो न्यूक्लियस नहीं है। तो यानी हमारा RBC कैसा होता है सर्कुलर होता है बाइकॉनवेक्स होता है और ई न्यूक्लिएटेड डिस्क है।
ड्यू टू इन्यूक्लिएटेड, ये क्या है, कंप्लीट सेल नहीं है, तो एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियस की वजह से क्या कर रहा है, ये इंक्रीज करता है रेस्पिरेटरी इफिशियंसी ऑफ आरबीसी, यानी हमारा जो रेस्पिरेशन गैसेस जो एक्सचेंज होता है आरबीसी से, तो क्या करेगा, ये बहुत तेजी से हीमोग्लोबिन से बाइंड करता है इस खासियत की वजह से। ठीक है, अब इसके हम जानते हैं साइज के बारे में, तो साइज के बारे में जानते हैं, तो सबसे पहले हम जानते हैं इन मैन, हमारे ह्यूमन में ये क्या होता है, 8.5 माइक्रोन इन डायमीटर होता है। ठीक है, और रैबिट में क्या होता है, स्लाइटली स्मॉलर देन मैन, और ये सबसे ज्यादा एक्सट्रीम लार्ज किस में होता है, एलिफेंट में, हमारा एक्सट्रीम लार्ज किस में होता है, एलिफेंट में 9.4 माइक्रोन, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम्स में पूछा जाता है, और मक्स डियर में ये क्या होता है, 2.5 माइक्रोन इन मक्स डियर, और अमोंग सबसे ज्यादा पूरे वर्टिब्रेट में हमारा सबसे बड़ा साइज किस में होता है, एम्फीबियन से, जो हमारे एम्फीबियंस है उसमें ये लार्जेस्ट साइज का होता है आपका आरबीसी। अब नंबर्स के बारे में जानते हैं, तो नंबर्स में क्या होता है, इन कंपैरिजन टू मैन, वुमेन में क्या होता है, हमारा नंबर जो होता है वो कम होता है। ठीक है, तो वुमेन में हमारा नंबर क्या है आपका, 4.5 to 5 million पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, ये हमारा क्या है नंबर, ये नंबर भी कंपटीशन में एग्जाम्स में पूछा जाता है, 4.5 टू कितना है, 5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीमीटर ऑफ ब्लड, और मैन में यही हमारा क्या हो गया, 5 से 5.5 मिलियन पर क्यूबिक मिलीलीटर ऑफ ब्लड पाया जाता है। लेकिन इन द पैथोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कंडीशन ये हमारा क्या कर सकता है, आपका इंक्रीज कर सकता है या डिक्रीज कर सकता है, जैसे हमारा इन द केस ऑफ पर्सनिशियस एनीमिया, पर्निशियस एनीमिया में हमारा क्या होता है, ये हमारा जो नंबर होता है आरबीसी का ये डिक्रीज करता है, और इन द केस ऑफ जो हमारे हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, जो पहाड़ों पे रहते हैं, या जहाँ पे कार्बन मोनोऑक्साइड को ज़्यादा कंजप कर लिया जाता है कंजप्शन, वहाँ पे हमारा क्या होता है, एबनॉर्मल राइज हो जाता है आपके आरबीसी में, यानी इंक्रीज हो जाता है, और उस कंडीशन के आरबीसी के उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पोली मीन्स मैनी साइथीमिया, यानी पोली, यानी यहाँ पे हमारा नंबर क्या हो गया, इंक्रीज कर गया, तो ये सब हमारे एग्जाम्स में पूछा जाता है, पर्सनिशियस एनीमिया और पॉलीसाइथीमिया के बारे में। जब कलर के बारे में अगर हम देखते हैं, तो हम प्लाज्मा के बारे में पहले ही पढ़ चुके हैं कि फैंट येलो कलर का है हमारा, जिसमें हमारा क्या है, आपके रेड ब्लड सेल्स जो हीमोग्लोबिन है वो क्या करता है, उसको डिस्टिंक्ट रेड कलर आपको प्रोवाइड करता है। तो अगर हम सिंगल फ्रेस आपके कॉर्पसल्स को देखेंगे, तो ये पेल येलो कलर का होता है, और हीमोग्लोबिन क्या करता है, इसको रेड कलर प्रोवाइड करता है। यहाँ आप ये देख सकते हैं, आप ये मैंने इसलिए सेल बनाया है, ठीक है, तो ये आरबीसी का सेल है, और यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें हमारा क्या है, आपका ये कॉनकेव, ये बाई कॉनकेव बोलिए या सर्कुलर इन सेप है। तो जब हम इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानते हैं, तो स्ट्रक्चर के बारे में हम जब देखेंगे, तो क्या देखेंगे कि बाहर में जो इसका हमारा आपका राउंड है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, वो हमारा क्या है, अबाउट 0.2 माइक्रोन है, क्या है, अबाउट 0.2 माइक्रोन। कैसे है हमारा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, किसका फॉर्मेशन करता है, हमेशा लिपिड और प्रोटीन का बना रहता है, और ये मेम्ब्रेन हमारा क्या होता है, इलास्टिक है और सेमी परमिएबल बैरियर का है। ठीक है, और अंदर जब हम इसके अंदर देखेंगे, तो क्या है हमारा, होमोजीनस कोलोइडल सॉल्यूशन, मतलब साइटोप्लाज्म हमारा कैसा है, होमोजीनस इन कंडीशन है, कोलोइडल सॉल्यूशन के जैसा है। और आपका क्या है, ये जब हम देखेंगे, तो हमारा लेट स्टेज में जब डेवलपमेंट हो जाता है, जब फॉर्मेशन हो जाता है, तो हमारा न्यूक्लियस, यहाँ पे देखिए न्यूक्लियस एब्सेंट है, पहले भी आप पढ़ चुके हैं, तो न्यूक्लियस और उसके जितने भी साइटोप्लाज्म ऑर्गेनिल्स है, ये क्या हो जाता है, लॉस्ट हो जाएगा इन लेटर स्टेज ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के समय जब बाद में ये मैच्योर होगा, तो उस समय क्या होता है, ये आपका लॉस कर जाता है। तो ये हमारा क्या हुआ, इसका स्ट्रक्चर हो गया। जब हम फिजिकल प्रॉपर्टी, आरबीसी के फिजिकल प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टी में हमारा बहुत सारा, ये क्या होता है आपका, विथ स्टैंड बेंडिंग स्क्विंजिंग, और क्या करते हैं, क्योंकि ये उसको ब्लड क्या होता है, ब्लड वेसल्स में फ्लो करना होता है, तो ब्लड वेसल्स में फ्लो करने के क्या करेगा, ये अपने आप को स्क्विंजिंग कर सकता है, स्क्विंज करेगा, और इसके अंदर क्या करेगा, इजिली आपका क्या करेगा, फ्लो करेगा। ठीक है, तो इसके फिजिकल प्रॉपर्टी हमारे बहुत सारे हैं, जैसे आपका क्या कहेंगे, रॉली, ये रॉली क्या होता है, रॉली इज अ कंडीशन,
ये एग्जाम में भी ये बहुत पूछा जाता है, ये कंडीशन है जहां पे हमारा क्या होता है एग्रीगेशन ऑफ आरबीसी, यानी आरबीसी सेल हमारा एग्रीगेट होता है और ये क्या है यूनिक डिस्कॉइडल शेप हो जाता है वर्टिब्रेट सेल में, यानी जैसे आपके पाइल ऑफ क्वाइंस, मतलब अगर मान लीजिए एक सिक्के के ऊपर दूसरा सिक्का, दूसरा सिक्के के ऊपर तीसरा सिक्का, इस तरह हम सिक्के का एक पाई बना लिए और उसको रैप कर दिए, तो उसी तरह का स्ट्रक्चर। तो यहाँ देखिए एक है, दूसरा है, तीसरा है, तो ये क्या करता है एग्रीगेट करता है। और इस कंडीशन, ये कंडीशन कब हमारा होता है ड्यूरिंग इन्फेक्शन, मल्टीपल माइलोमा, इन्फ्लामेशन और कैंसर सेल, जब हमारा ये सब डेवलपमेंट होता है तो ये कंडीशन हमारा किसका रॉली का कंडीशन आ जाता है। तो ये इसकी प्रॉपर्टी है। साथ ही साथ क्या है क्रीनेशन, क्रीनेशन क्या होता है स्विबलिंग ऑफ कार्पोसल्स, यानी हमारा कार्पोसल्स क्या होता है मुरझा जाना, मुरझाना मतलब आपका क्या होगा इवापोरेशन हो जाएगा प्लाज्मा में से, आपका कंसंट्रेशन उसका कम हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा वो स्विबलिंग हो जाएगी। हीमोलाइसिस मीन्स आपका क्या होगा हीमोग्लोबिन, ये इसकी सब क्या है प्रॉपर्टीज है आपके आर्मी। हीमोलाइसिस यानी क्या है आपका हीमोग्लोबिन का क्या होगा ब्लड में आरबीसी से क्या होगा लाइसिस, मतलब उससे वो टूट जाएगा या अलग हो जाएगा। और एग्लूटिनेशन, ठीक है, जहां पे ये क्या कर रहा है एग्लूटिनेशन मीन्स ब्लड क्लॉटिंग, यानी क्या करेगा क्लॉटिंग करेगा। तो ये हमारा क्या हो गया फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ आरबीसी। जब हम इसके केमिकल कंपोजिशन के बारे में देखते हैं तो केमिकल कंपोजिशन में हम सबसे पहले क्या देखेंगे कि ये प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। आप इसके मेम्ब्रेन में भी देखें कि मेम्ब्रेन भी हमारा प्रोटीन और लिपिड का बना हुआ है। तो अबाउट 49% हमारा क्या होता है आपका प्रोटीन, 44% हमारा क्या होता है लिपिड्स, एंड 7% क्या होता है कार्बोहाइड्रेट्स होता है, और 26.5 करोड़ मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे किसके हीमोग्लोबिन के, यानी आरबीसी में हमारा क्या है 26.5 करोड़ क्या है हमारे मॉलिक्यूल्स हैं हीमोग्लोबिन के, जो क्या करते हैं रेस्पिरेटरी पिगमेंट है। ये क्या करेंगे रेस्पिरेटरी पिगमेंट है जो क्या करता है बाइंड करेगा हमारे ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को। जब आरबीसी के फॉर्मेशन के बारे में हम जानते हैं तो आरबीसी के फॉर्मेशन को हम क्या कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, और इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में जब भी बनाऊंगी तो वो पूरा एरिथ्रोपोएसिस के पूरे स्टेप को आपको बताऊंगी। तो अभी हम लोग जान जाते हैं कि हमारा क्या होता है इन द इम्ब्रियो, इम्ब्रियो में हमारा ये फॉर्मेशन रेड ब्लड सेल्स का कहाँ होता है लीवर में, स्प्लीन में और लिम्फ नोड्स में होता है, लेकिन एडल्ट में ये क्या होता है रेड बोन मैरो में प्रेजेंट होता है, बनता है हमारा। तो रेड बोन मैरो हमारा ज़्यादातर कहाँ पाया जाएगा जो हमारे लॉन्ग बोन्स हैं या बहुत ही आपका कैनालिकुली ऑफ एक्सट्रीम, जो हमारे जैसे आपके वर्टिब्री हैं, रिब्स है, स्टर्नल है, आपके पेल्विक है, उन सब में हमारा क्या होगा रेड बोन मैरो आपका होता है, वहाँ पे हमारा क्या होगा आरबीसी का फॉर्मेशन होगा। इस फॉर्मेशन की प्रोसेस को हम क्या कहते हैं एरिथ्रोपोएसिस, हम आने वाले अपने वीडियो में इसको अलग से बताएंगे। जब इसके मेटाबॉलिज्म के बारे में देखते हैं तो मेटाबॉलिज्म के बारे में जानेंगे तो हम सबसे पहले जानेंगे कि क्या करता है ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को, क्योंकि आपका ये क्या है डेवलप होने समय ट्रू न्यूक्लियस, आपका ट्रू न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनेल्स को ये क्या कर देता है खत्म कर देता है, इसलिए ट्रू सेल तो है नहीं ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया का ड्यू टू लैक ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोक्रोम को लॉस करने की वजह से क्या होता है इसमें आपका क्रैप साइकिल की प्रोसेस नहीं होती है, इस वजह से क्या होता है हमारा जो प्रोसेस है वो एनर्जी इसको चाहिए, वो कहाँ से मिलता है इसको एनारोबिक ग्लाइकोलाइसिस और फॉस्फोग्लूकोनेट पाथवे के द्वारा हमारा क्या होता है आपका आरबीसी में मेटाबॉलिज्म होता है। और लाइफ स्पेन और इसके हमारे कितने दिन में ये हमारा लाइफ स्पेन आरबीसी का क्या है तो अबाउट 120 इन मैन, 120 दिन आपका मनुष्य में होता है। ये क्वेश्चन भी बहुत ज्यादा ही पूछता है और इसके एरिथ्रोपोएसिस के बारे में भी बहुत पूछता है आपका अबाउट 120 इन मैन होता है और 100 डेज इन एम्फीबियन के जो फ्रॉग है हमारे उसमें 100 डेज अबाउट होता है। तो आपका क्या होता है आफ्टर 120 डेज के बाद क्या होता है ये आपका इन लीवर या स्प्लीन सेल में क्या हो जाएगा वो जाएगा और वहां पे वो स्टोर हो जाएगा और डिस्ट्रॉय होगा, और वहां पे जो ब्लड में हमारा आयरन की जो कंपोनेंट्स है वो हमारे स्प्लीन में आपका क्या होगा स्टोर हो जाएगा और वो क्या होगा नेक्स्ट हीमोग्लोबिन के फॉर्मेशन में मदद करेगा, और प्रोटीनस पार्ट जो हमारा होता है वो हमारा
क्या होगा, प्रोटीनस पार्ट हमारा फिर से क्या होगा, वो बिली हमारा हीमोग्लोबिन से प्रोटीनस पार्ट क्या होगा, बिली वर्डिन में कन्वर्ट हो जाएगा और बिली वर्डिन हमारा क्या हो जाएगा, फाइनली बिली रूबिन जो येलो पिगमेंट हो जाता है वो वहां से आपका बिली रूबिन में चेंज हो जाएगा और वहां से फिर वो ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू आपका क्या होगा, लीवर में जाके वो क्या करेगा, आपका बाइल पिगमेंट की तरह बाइल पिगमेंट की में चेंज हो जाएगा और फाइनली क्या होगा, वो बॉडी से एक्सक्रीट किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इस तरह हमारा जो ओवरऑल आज आरबीसी का प्रोसीजर है, आरबीसी हमारा क्या है, रेड ब्लड कॉर्पसल्स, और क्या करता है, मेन इसका फंक्शन क्या हो गया कि इसका मेन फंक्शन हो गया, इट्स कैरी द ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स, ये क्या करेगा, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स को कैरी करेगा जो क्या करेगा, रेस्पिरेशन में हमारा क्या करता है, आपका मदद कर, मतलब हमारे लंग्स से क्या करेगा, अप टू सेलुलर और सेलुलर सेल से लेके हमारा कहाँ जाएगा, आपका टिश्यू लेवल के तर, और वहाँ पे जो हमारा CO2 है उसको क्या करेगा, कन्वे करेगा और वो उसको लंग्स तक लाएगा। तो इस तरह हमारा क्या है, ब्लड क्या है, वन ऑफ द मोस्ट क्या है, इम्पॉर्टेंट मैथड ऑफ कम्युनिकेशन, जो हमारा पूरे हर एक सेल टू सेल जो हमारा जो प्रोसेस अटैच है वो प्रोसेस हमारा क्या है, ब्लड। तो आज हम लोग ने क्या पढ़ा, ब्लड, ब्लड के कंपोजिशन के बारे में पढ़ा। तो ब्लड में हमने क्या पढ़ा, कंपोजिशन प्लाज्मा और 55% प्लाज्मा और 45% उसके सेल्स के बारे में पढ़ा, और ये ब्लड सेल्स में हमने आज किसको पढ़ा, आज आरबीसी के बारे में पढ़ा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके आगे का आपका कंटिन्यू करेंगे, ब्लड का टॉपिक। ओके, बाय।